नो 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 बाप बोतल को का करो है? अरे तू का कह रहा हूं मैं का करो बोतल को अच्छा करूंगा हाल ने काम है पेट में है ये बता बता मेरे तो का बनिया पर अपनी मर रही है बड़ी मुश्किल से तो यहां तक आ पा हूं मैं देखा देखा नर को मिले यहां एक नर मिलू है अरे पापा नो कह रहा इतने में डूब जाई का कह रहा वो तू कहूं इतनी बड़े घर ना है सुना तो भेज जा मैं आ जल्दी अरे जल्दी आ जा यार बेटा ने हरी भरा भरा तू को ले पकड़ बोतल जल्दी पकड़ अरे खुलिया 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 अरे रे पापा बोतल तो ले आ हां पापा का गरीब को सतानो ना तेने है गई ना आ गई दस तू अरे लल्ला तू का कह रहा है ना मैं छोले ज्यादा खा ले वो बहन जो पेट में फूले गई का चक्कर है जिन काऊ की बद्दुआ लग गई मुंह को बड़ो परेशान कर दो मैं तो अब आ जा जल्दी का भन्या हूं हां कतरोगे अरे आ रहा हूं यार जल्दी आ जा जल्दी तब तक मैं पल में ठंडो ढाड़ू कितने वो अरे जब पाए वो अरे छोटू बेटा छोटू आगे तो खोल कहां है वो तुमको अरे कहां है वो छोटू वो जो तुमने फोड़ दिया था वो संध्या ने देखने से इनकार कर दिया क्या कहा पता नहीं इस संध्या की वजह से हमें कितना नुकसान झेलना पड़ेगा मेरी 5 साल की प्रधानी चली गई इसी संध्या की वजह से जब से राजू खत्म हुआ है ना उस दिन से मुझे अपने खेतों में खुद काम करना पड़ रहा है अगर ये हमारी बहन नहीं होती ना तो इसको भी उसी दिन मारते जिस दिन राजू मारा था भैया उसे लगता है राजू वापस आएगा इसलिए वो शादी नहीं कर रही है वीरेश तू भूल गया तूने अपने हाथों से उसका गला दबाया है भला मरा हुआ आदमी कभी वापस आ सकता है क्या अरे बकने दे उसको उसके दिमाग में बहम है बहम और ये बहम ज्यादा दिन नहीं टिकेगा संध्या जरूर अपने आप शादी के लिए हाँ कहेगी और तू एक काम कर हमारे लिए लोटा में पानी लेके आ जब तक ये थोड़ा काम है हम ही लिपटा देते हैं चल बे चल काली जल्दी बांध फिर चलते हैं घर बांध जल्दी पता नहीं कब आएगा वो दिन और कब मानेगी वो संध्या चल जल्दी छोटू लल्ला का बात है छोटू बेटा का बात है बढ़िए अरे का बात है पापा मैं यहाँ कर रहा हूँ लल्ला तू बेहोश है गो और तू जो बता बाबा का चिल्ला रहे वो का बात है तुको पापा मुझे ऐसी लड़िया हर के मिन को दाव थवाए काए बे कोई मेरे लावत है अरे लल्ला कैसी बात कर रहे हो बेकी बेकी तू मैंने तो इतने बड़े से पाल हुए और वो आदमी मिलो का दावत में वो तो मैंने कहूँ देखू ना तू कह रहा है मेरे रास्ता आ से पापा तुम मानो चाह मत मानो कत्तो बात है अरे कछ बात ना है तेरे दिमाग को बहम है ले पहले तो पानी पी दूं तो सही है जाओ तू एक काम कर हनी लेडी है ला और मुझे आराम ना ले भरा भरा जी भी पीड़ में जा रहा हूँ अब आ रहा हूँ थोड़ी देर में ला बहन चुप पापा कह रहे तेरे दिमाग को बहम है और जो मैं ना अपनी आंखों से देखूंगा गा को कैसे झूठ मानो मैं चलो छोड़ा हो वो काच अच्छी का ब्याह रहा भेंचू जो मेरे पीछे पड़ रही है चलो देख होने का चल का कर ना कच मिल जा अब जाके हमारे इलाके में गुंडागर्दी खत्म हुई है वो भी राम सिंह के होते हुए साला कोई गांव वाला चुप भी नहीं कर सकता और जो साला चुप करता है ना उसके कनपट्टे पे एक देता हूँ और मार मार कर सभी बुला दिए साले पुलिस कैंसल खबर है वो नमस्ते भाभी नमस्ते 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 देखा अब लंबे से सल्यूट मारते हैं साले पहले कोई भी नमस्ते नहीं करता था जो कौन है जो मेरा नाम ले रहे हो अरे यार तुम मौका भूल गए मैं राजू कौन राजू हम तो काऊ राजू को नहीं जानते तो सही है मेरे यार तू इतनी जल्दी भूल गए भैया मेरे तो कुछ पल्ले ना पड़ रही कौन राजू कैसो राजू कहाँ को है तू
अच्छा तो तू ऐसे याद ना आ रही बा को याद तो तोताराम को तोताराम तोताराम को तो हम खूब जानते हैं। अच्छा तोताराम याद आए तो तिलोकी को याद तो हां अल्लाह तिलोकी को जानते हम मगर तिलोकी के संग बहुत ही बुरो भाऊ। हां मो सब पतवा काका भाऊ है। अल्लाह तू कैसे पतो मो को ऐसा पतवा का मैं ही राजू हूं। अरे मो का जाय के मारे भगवान ने दूसरो जन्म दो है जब तक मैं तोताराम को तोताराम के भैयन के कच्चा न उतारे तब तक चैन चैन बैठूंगा। राजू राजू मेरे दोस्त तू राजू है। हां और का सारी मैं राजू हूं। तू तो पहचान ही ना रहो हमें। तू मेरे छोटू से एक काम कर दे। मेरे दोस्त तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है। बता का काम है। काम को ना तेरी गाल मार रहा मैं। वो का तोता राम से बदलो लेनु मैं बता कैसे ले जाऊं। राजू तोता राम से बदलो लेनु नहीं ना है मगर हां एक उपाय है। अरे यार तो मौका वो बता दे कैसे ले जाऊं बदलो। चल फिर आ जा मेरे संग। अरे जो तो छोटू लग रहा हूँ भैंजू जो कि संग जा रहा हूँ मैंने की छोटू छोटू ओ छोटू अरे कहाँ जा रहा हूँ। अरे कौन है तू रे कहाँ ले जा रहे हो जाको नहीं ले कहाँ ले जा रहे हो कहाँ ले जा रहे हो ना पापा कम्मू ले आ रहे मोको वैसे मार रहे हो खाम खाई कम्मू लेने जा रहे और इतनी डबल तुम जगा रहे हो जो बता पहले तो। अरे पापा तुम जागो ना यान तो जो मेरे पचपन को आ रहे कहा कर रहे हो पचपन को क्या पचपन को जो तेरे आ रहे हो भैंजू तुम बिल्कुल नेक छू और जो कि तू भूलो ये तो यार कहाँ आएगो पापा यो मेरे पिछले जन्म को यार है। कहा कह रहे हो तेरे पिछले जन्म को यार है। अच्छा तो तेने करुकाया लगा मेरे को। अरे करुकाया नहीं जो बता दो वो करु तो ना करुकाया नहीं हो करुकाया नहीं हो पापा मत मारो। अरे कहा कह रहे हो मत मारो तेरी नजर फिर तो जाने पापा मत मारो। अरे जाओ सारे को मारो छोड़ दे भाग जा हट जा तू हट जा मैं खुद ही आ रहा हूं हट जा तू सामने देखो कितनी भयंकर लड़ाई हो रही है तुम देखे लड़ाई नहीं होती। अच्छा तो हो गई चल साले को देखता हूँ अभी तो अपने इलाके में फिर चालू हो गई गुंडा करती है क्यों मार रहा है इसे। अरे बाबूजी अच्छो तुम आए जो तो मैं ले रहा हूँ ले जा रहा हो भाल पतवा कहाँ ले जा रहा हूँ। ना पापा यो कहूंगा ले आओ तुमने नाचे मैं बात को बतंगल कर दो। ओ भाई तुम्हारा मैटर क्या है भाई के लड़का कुछ कह रहा है और तू उसे मार रहा है। अरे बाबूजी जाओ बखन दो जागे तो मत फिर दी जाने। ओए बुड्ढे उठ के खड़ा हो तू बता क्या बात है। अरे बाबूजी जे कुछ ना बताएंगे मैं बताऊंगा तुम्हें बात। हाँ भाई तू बता क्या बात है। बाबूजी सुनो मेरो नाम पिछले जन्म में राजू हो। राजू हो जी का कह रहे हो भाई। हाँ बाबूजी मैं सही कह रहा हूँ मेरे पिछले जन्म को दोस्त है। अरे बाबूजी तुम जागी बात कह रहे हो जाना कुछ कर दो मेरे लड़का को। हाँ भाई बुड्ढे तूने इस बच्चे को कुछ कर तो नहीं दिया है। बाबूजी मोह ना मालूम जानी बिरजू कह के बुलाऊ मैं आएगा अब मोह ना मालूम का बात है मैं तो जाको जानता हूँ ना कौन है। अरे तू जाने मत जाने मैं तो तू जानता हूँ मेरे यार। बाबूजी तुम मेरे यकीन करो तुम अगर और बता तोताराम के यहाँ काम करतो ना करतो। हाँ बाबूजी मैं तोताराम के यहाँ काम करतो और मेरे एक दोस्त वो राजू नाम को गो और मैं एक ही संग काम करते। बाबूजी देखियो ऐसी अपन तो राजू बता रहा हूँ अब बताओ तुम ही बता दो राजू ही है। राजू और तोताराम ये सब क्या है। बुड्ढे तू सच सच बता कि राजू कौन था और तोताराम कौन था। बाबूजी ये 7-8 साल पुरानी बात है मैं और राजू तोताराम के यहाँ काम करते थे। बाबूजी तोताराम की एक बहन थी जिसका नाम संध्या था। अच्छा तो तुमने छेड़ दी वो। छेड़ी नहीं मैंने वो छेड़ो। अच्छा तो फिर क्या हुआ था। बाबूजी मेरी बात तो तुम झूठ मानो जैसे बोलो सारी बात काका वही है। हाँ तो फिर क्या हुआ था तोताराम ने तुझे मार दिया था। हाँ बाबूजी मोको और मेरे पिताजी को तोताराम ने जान से मारा है। अच्छा तो तोताराम ने मार दिए। अच्छा भाई तू बता तू क्या कह रहा है तेरा लड़का है। हाँ बाबूजी लड़का मेरा ही है। अच्छा भाई तुम लोग क्या चाहते हो अब उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। अरे मैं किन्हें पकड़वाऊंगा मुना बनने जा रहा हूँ मैं। चल चल मैं अपने लगा लगा भाग जा रहा हूँ। पापा तुम जाओगे जब तक मैं अपने दुश्मन इनको ना पकड़वा के आऊंगा जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। बाबूजी जो ये राजू बाबूजी हैं बाबूजी जो तोताराम ने मारे बाबूजी। अच्छा तुम एक काम करो तुम अपने अपने घर जाओ और हम देख लेंगे साले को।
चिंता मत करो, अपने घर बैठो जाकर। तोता राम, तू बहुत बचा बचा फिर रहा, आज तेरे बांट राम सिंह के हाथ में आए हैं। मैं देखता हूँ तोता राम, देखता हूँ तुझे और तेरे भाइयों को कौन बचाता है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब हम पहुंचे ना आदू खेत में। अरे पुलिस का कार्य है। हाँ यार आ तो रहे हैं। और मैं कह रहा संध्या कहाँ है? संध्या तो नहीं चलेगी कि तू थाने। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते के बच्चे तोताराम, ये बता तेरे साथ क्या किया जाए साले। पहले तो अपनी जुबान संभालो दरोगा बाबू, ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है। लल्ला एक गिलास पानी दे दरोगा साहब को, ठंडा करो। साले हरामखोर, मुझे ठंडा करेगा तू? दरोगा तेरे बड़े भाई पे हाथ चलाया? इससे तुम अभी कुछ मत कहो, इस थप्पड़ का जवाब टाइम आने पर ही देंगे। अच्छा साले, तो तू मुझे टाइम देगा? चल आज तू थाने, मैं तुझे टाइम देता हूँ। चल भाई लोकमान, पकड़ सालों को। साले उल्टा सीधा चल रहा है, चल चल भाई चल। अरे मेरी सेट रह गई, सेट तो पहन लेंगे। चल पेन सेट पहन ले चल। और साले चल, साले को जो किन से पिताजी कह रहे हो बहन जो? कैसे हो पिताजी? बेटा तू कौन है? मेरे तो कोई बेटा ना है, मेरे तो एक ही बेटा हो राजू नामक, सो मेरे तोता राम ने मार डालो। पिताजी मैं ही तो तुम्हारा लड़का, मेरे ही नाम तो राजू है। हे भगवान, मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरा राजू और इतना छोटा। अरे पापा तुम ना समझो, वो का दूसरा जन्म मिला है, मैंने अपना दूसरा जन्म इनके यहाँ ला हुआ है, मैं जा जन्म में इनसे पापा कहता। अरे भाई साहब, तुमने मेरे बच्चे को पाल पोस के बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं तोताराम के लिए बताऊंगा कि मारने का इल्जाम क्या होता है। अरे भाई साहब तुम क्या बताओ तोताराम को, जो ही भद्र बता दे तोताराम को, तीनों भैया को यहाँ पकड़वा दो ये तीनों भैया। अरे भाई साहब क्या कहीं पकड़वा दे? पकड़ गए तो अब अच्छा है, तो राजू ने बहुत अच्छा किया, मेरे राजू ने बहुत अच्छा किया। पापा यू कमर ओढ़ो वो जाको, जानते तुम ना लल्ला, मैं ना जानता जाको कौन है जो। अरे तिलो की जद्दत तुम भूल गए मोए, मैं बिरजू तुम्हारे चेला है। तू बिरजू है? सही है, मौका मेरे पर दोबारा मिल गया सब, मेरा राजू मिल गया और बिरजू मिल गया। पापा इन पापन को घर ले चलो। हां बेटा तेरी इच्छा जैसी, चल लिबा चल। चलो पिताजी। साले चल। अरे तो हम गाड़ का बक्कुन लुका दूंगा साले। अरे तो बताओ ना क्या बात है। और बता दूं साले, चल साले, मटर करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? वो तो अच्छा हुआ साले लड़के ने जन्म ले लिया ना, साले तुम तो मजे ले रहे होते। चल साले अंदर चल, अब देखता हूँ साले तुम्हें राम सिंह के होते हुए कौन छोड़ाएगा। चल भाई बंद कर दे गेट। ओ भाई साले क्या देख रहा है? राम सिंह, तूने अच्छा नहीं किया मुझे और मेरे भाइयों को पकड़कर। अच्छा तो साले राम सिंह को धमकी देता है। चल भाई गेट खोलिए, साले तुझे बताता हूँ। चल भाई चल खिड़की लगा, और ऐसे मैं देखता हूँ अभी। अब बता साले, अब बता साले, बता साले, बता भोसड़ी के, और बता, बोल बोल, राम सिंह को धमकी देगा, राम सिंह को धमकी देगा, राम सिंह को धमकी। साले और राम सिंह को जानते ही नहीं है तुम कि राम सिंह कौन है। चल भाई मैं भी देखता हूँ साले तुम्हें कौन छुड़ाने आता है। चल भाई